ठीक है साथियों, आज आपके होशियार में होशियारपुर में एक परिवर्तन यात्रा पहुंची है। ये परिवर्तन यात्रा 7 अगस्त 2018 से शुरू हुई है सिवनी मध्य प्रदेश से, और 7 अगस्त से ये सिवनी मध्य प्रदेश से निकलकर 6 फरवरी 2019 तक ये परिवर्तन यात्रा चलेगी। और इस परिवर्तन यात्रा में 31 राज्यों के 441 जिलों में 6 महीने में ये परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। लगातार 6 महीने तक ये परिवर्तन यात्रा चलेगी। उसके बाद में अगले साल 2019 को ये 556 जिलों में पहुंचेगी। ये 2024 तक की परिवर्तन यात्रा लगातार 7 साल तक चलेगी, और ये तब तक चलेगी जब तक 6 लाख गांवों में संगठन का, आंदोलन का जो मैसेज है, संदेश है, पहुंचाने के लिए ये चलाई जा रही है। हमारे देश में 6.5 लाख गांव है, मगर जो बंगाल और आसाम से आगे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट है, छोटे छोटे नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पहाड़ी स्टेट्स हैं, वो छोड़कर जो टोटल 36 स्टेट है उसमें से अभी हमारा 31 स्टेट में इस संगठन का नेटवर्क फैला हुआ है। लगभग 31 राज्यों के 539 जिलों में संगठन का नेटवर्क फैला हुआ है, और 3,500 तहसीलों में पहुंचा हुआ है, चल रहा है, 22,000 ब्लॉक में पहुंचा हुआ है, 1.5 लाख गांव में पहुंचा हुआ है। पिछले साल हम लोगों ने 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक 17 करोड़ रुपया सारे देश भर से इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए जनता से निधि इकट्ठा किया, और उसको आधार बनाकर ये आंदोलन आगे बढ़ाने का संकल्प किया गया है। और ये आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा अभी तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, और अभी उड़ीसा में चल रही है, पंजाब में चल रही है, हरियाणा में हो चुकी है, हिमाचल में हो चुकी है, J&K में हो चुकी है, उत्तरांचल में चल रही है, और जो बचे हुए स्टेट हैं जिसमें साउथ इंडिया के स्टेट्स है, जब नॉर्थ इंडिया में ठंडी के दिन होंगे उसमें कोहरा बहुत बड़े पैमाने पर होता है, साउथ इंडिया में कोहरा होता नहीं है, तो इसलिए जब कोहरा और ठंडी के दिन नॉर्थ इंडिया में होंगे उस दौरान साउथ इंडिया में ये कार्यक्रम चलेगा, ताकि कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यत्यय ना आए, अवरोध ना आए, इस तरह का नियोजन किया गया। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा है ये राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा है, ये केवल छोटा
परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम नहीं है। 9 अक्टूबर से आनंदपुर साहिब से ये परिवर्तन यात्रा पंजाब में चल रही है और 4 नवंबर को अमृतसर साहिब में इसका समापन होगा। तो केवल पंजाब का मामला नहीं है, इस सारे देश भर में एक परिवर्तन यात्रा चली है, चलने वाली है। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा आजाद भारत में आज तक किसी मजलूम समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने और कटगंतीय के जो लोग हैं उन लोगों ने इस तरह की कोई परिवर्तन यात्रा नहीं निकाली। एक बात है कि परिवर्तन यात्रा नहीं निकाली है, ना निकालने का उन्होंने सोचा है, क्योंकि इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है और मानवीय संसाधनों की जरूरत होती है। हमने 41 साल लगाकर इतना बड़ा नेटवर्क सारे देश भर में फैलाया। मैं जब 19 साल का था तब से ये काम शुरू किया, अभी मेरी 61 ईयर ओल्ड उम्र चल रही है, तो इतने साल तक ये सारे देश भर में नेटवर्क हमने फैलाया। ये नेटवर्क की वजह से हम लोगों ने इतना बड़ा परिवर्तन का कार्यक्रम चलाया हुआ है। दूसरे लोग इसीलिए इसके बारे में सोच नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। जब हमने परिवर्तन यात्रा निकालने का संकल्प घोषित किया था उस समय हमारे पास इस तरह की कोई परिवर्तन यात्रा निकालने का कोई तजुर्बा नहीं था। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने का कोई तजुर्बा नहीं था। तो तजुर्बा हासिल करने के लिए महाराष्ट्र में हमने 24 अप्रैल 2018 से 3 जून 2018 तक परिवर्तन यात्रा निकाली, जब 42 डिग्री सेल्सियस गर्मी हुआ करती थी, और जब 3 जून को हमने ये परिवर्तन यात्रा का समापन किया तो 48 डिग्री सेल्सियस गर्मी हुआ करती थी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी सारे गर्मी में ये परिवर्तन यात्रा उस समय हमने निकाली। समाज के लोगों ने सवेरे हमारे नाश्ते का, दोपहर में खाने का, शाम को रात में खाने का, रहने का और कार्यक्रमों के नियोजन का और प्रचार का, पब्लिसिटी का, स्टेज का, कुर्सियों का सारा अरेंजमेंट समाज के लोगों ने किया। हमने एक नया पैसा खर्चा नहीं किया। महाराष्ट्र में जब हमने ये परिवर्तन यात्रा निकाली तो संगठन ने एक नया पैसा खर्चा नहीं किया, सारा का सारा समाज के लोगों ने खर्चा किया और ऊपर से 42 दिन में 45 लाख रुपया निधि अलग से दिया। 42 दिन में 45 लाख रुपया का निधि लोगों ने हमें दिया। जैसे अभी हमने होशियारपुर में कार्यक्रम चलाने के लिए हमने कोई पैसा खर्चा नहीं किया, मगर आप लोगों ने सारा अरेंजमेंट करने के बाद 10,000 रुपया का निधि भी दे दिया। तो ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इससे आपको पता चले कि ये 10,000 या जो भी मानव संसाधन या आपने व्यवस्था की उस संगठन का नेटवर्क होशियारपुर में होने की वजह से कि 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन में जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो आप लोगों ने स्वागत और परिवर्तन यात्रा शहर के अंदर घुमाई। तो ये सारा आप लोगों के द्वारा हुआ है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपने इतना बड़ा साथ सहयोग दिया है। साथियों, ये इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, निश्चित रूप से इस बात को आप जानना चाहेंगे कि ये परिवर्तन यात्रा क्यों निकाली गई, ये जानना बहुत जरूरी भी है। ये जानने के लिए ही मैं आप लोगों को कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जिस पर आप लोगों को विचार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आप लोगों को किताबों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि आजादी का आंदोलन था। आप लोगों को किताबों में, पंजाब की किताबों में नहीं, सारे देश के किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि आजादी का आंदोलन था। मैं इस बात को नहीं मानता कि आजादी का आंदोलन था।
और ये बात आप लोगों को बताया जाना जरूरी है कि मैं इसको क्यों नहीं मानता। ये आजादी का आंदोलन नहीं था, आजादी का आंदोलन ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन था, अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था, अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को स्थापित करने का आंदोलन था और बाकी सारी प्रजा को ब्राह्मणों का गुलाम बनाने का आंदोलन था। और मैं चुनौती देकर कहता हूं कि जो देश में टीवी के चैनल चलते हैं अगर वो मुझे इनवाइट कर ले और मेरे विरोध में बोलने के लिए 10 ब्राह्मणों को टीवी पर बुला ले, मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सारे दस्तावेजी सबूत है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन था, अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन था, अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को बिठाने का आंदोलन था, बाकी समस्त प्रजा के लोगों को गुलाम बनाने का आंदोलन था। इसीलिए भारत का विभाजन कराया गया। भारत का विभाजन गांधी और नेहरू ने मिलकर किया। आप लोगों को पता नहीं है, कांग्रेस महासमिति में 157 वर्सेज 15 वोटों से गांधी और नेहरू ने रेजोल्यूशन पास किया। भारत के टुकड़े करने का रेजोल्यूशन गांधी और नेहरू ने पास किया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है, ना ही इतिहास पढ़ाया जाता है। तारीखों के साथ हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर यह बात बता रहा। गांधी और नेहरू ने 157 वर्सेज 15 वोट जो कांग्रेस महासमिति के थे, उन्होंने भारत के टुकड़े का प्रस्ताव पारित किया और ये टुकड़े करने के बाद इन लोगों ने ये प्लान बनाकर टुकड़े किए कि यदि मुसलमान भारत में रहेंगे तो ब्राह्मणों को बचे हुए भारत पर कब्जा करने का मौका नहीं मिलेगा। मुसलमान भारत में रहेंगे तो वो पूरी ताकत से भारत पर ब्राह्मणों को कब्जा नहीं करने देंगे। इसलिए प्लान बनाया गया कि मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया जाए तो बचे हुए भारत को हिंदुस्तान बनाया जा सकता है और ब्राह्मणों का गुलाम बनाया जा सकता है। इसलिए भारत का विभाजन करवाया गया और विभाजन करने के बाद आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू कर दिया गया, 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% लोकसभा की टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवाकर लाए और भारत के संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। ये लोकसभा सेक्रेटेरिएट का आंकड़ा है, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, ये कोई भी इस डाटा को इनकार नहीं कर सकता जो मैं बोल रहा हूं, डाटा के आधार पर बोल रहा हूं। और ये सारा का सारा डाटा सरकारी है। भारत के पहले संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा करवाया और ऐसे ऐसे कानून बनाए, कानून बनाकर उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए कि 3.5% ब्राह्मणों के 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां आज के तारीख में है। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है भारत में, आपके पंजाब में 2% से ज्यादा नहीं होगी, हमारे महाराष्ट्र में 1.5% है, साउथ इंडिया में 0.5%, 1%, 1.5% से ज्यादा नहीं। ये फैक्ट जो है, ये फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तथ्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसलिए 15 अगस्त को क्या हुआ, अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। कितने लोगों को बताया,
जिसने अंग्रेज विदेशी है उससे कम विदेशी ब्राह्मण नहीं है। अब तो ये बात डीएनए के अनुसार फाइनली प्रमाणित हो गई कि ब्राह्मणों का डीएनए भारतीय लोगों का डीएनए नहीं है, ये यूरेशियन लोगों का डीएनए है। जो लोग अपने को आर्यन कहते हैं वो रियलिटी में आर्यन नहीं है, वो यूरेशियन लोग हैं। और यूरेशियन लोगों का डीएनए और ब्राह्मणों का भारत का डीएनए एक है, तो ये लोग भारतीय नहीं है। और चूंकि ये विज्ञान के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा प्रमाणित हो गया, इसलिए अब इस बात को इनकार करने का कोई आधार कोई एविडेंस नहीं रहा, फाइनल एविडेंस हो गया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी विदेशी को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले अमेरिका ने इराक पर हमला किया और वहां सद्दाम हुसैन को मार दिया। मार देने के बाद में कुछ दिन तक अमेरिका ने इराक पर कब्जा किया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अमेरिका को इराक पर राज करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए अमेरिका को, इतने बड़ी शक्तिशाली देश को, इराक से जाना पड़ा और वहां के मूल निवासी जो थे उनको हैंडओवर करना पड़ा। अंग्रेजों के भारत में आने का सबूत है और अंग्रेजों के जाने का सबूत है। ब्राह्मणों के भारत में आने का सबूत है मगर जाने का कोई सबूत अभी उपलब्ध नहीं है। जो तथ्य बात आपको बता रहा हूं उसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उन लोगों ने ऐसे ऐसे अपने अनुकूल कानून बनाने का काम किया। उस कानून का परिणाम यह हुआ कि आज जिनकी संख्या 3.5% है ब्राह्मणों की, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। 1885 को कांग्रेस नाम का संगठन बनाया। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने कांग्रेस का संगठन बनाया। हमारे पुरखों ने, जो ज्ञानी थे, उन लोगों ने कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया। ज्योतिराव फुले ने कांग्रेस में जाने से इनकार किया। छत्रपति शाहू महाराज ने कांग्रेस में जाने से इनकार किया। बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस में जाने से इनकार किया। पेरिया रामस्वामी कांग्रेस में थे, जब उनको गांधी जी का अनुभव हुआ तो उन्होंने कांग्रेस का इस्तीफा दे दिया 1925 को। तो कांग्रेस मूलतः ब्राह्मणों का संगठन था, इसलिए अंग्रेज जब छोड़ कर गए तो एक ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करके गए। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री अंग्रेजों ने नॉमिनेट किया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है, मैं तो तारीखों के साथ बोलता हूं। 2 सितंबर 1946 को अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री इंटरिम गवर्नमेंट का बना कर गए। अब तब से उन लोगों ने सत्ता का सहारा लेकर दुनिया भर की गलत सलत बातें करके कानून और संविधान के विरोध में जाकर सारी व्यवस्था पर कब्जा किया। दूसरा संगठन 1925 को आरएसएस बनाया गया। आरएसएस ने जनसंघ नाम की राजनीतिक दल पार्टी बनाई। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था। तीसरी नेशनल, और उसके बाद ये जो जनसंघ है इसकी, इसको 77 में इमरजेंसी के विरोध में अटल बिहारी अडवाणी ने जनता पार्टी में विलीन किया। जनता पार्टी में इनके जाने से विवाद हुआ, विवाद होने की वजह से लोग बाहर आए और 80 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। ब्राह्मण भारतीय प्रजा नहीं है मगर उन्होंने पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं, विदेशी जनता पार्टी बनानी चाहिए थी, क्योंकि वो भारतीय जनता नहीं है।
तीसरी पार्टी है गम ब्राह्मणों ने बनाई, उसका नाम है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। बॉम्बे में श्रीपाद अमरु डांगे कोकनस्थ ब्राह्मण थे, उन्होंने बनाई। चौथी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये एम एस नंबुद्री पाद केरला का नंबुद्री ब्राह्मण था, उसने बनाई। चौथी नेशनल लेवल की पार्टी होगी। पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री है, और पिछले साल इस पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। हो गया पांच पांच पार्टियां नेशनल लेवल की अकेले ब्राह्मणों की, जिनकी संख्या 3.5%। अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव करवाया जाए तो ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, 3.5% से पंच चुनवा सकता है। अगर देश में ग्राम पंचायत में और ईमानदारी से चुनाव करवाए जाए तो ये ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकते, सरपंच बनाने का तो सवाल ही नहीं। जो लोग सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे। 2004 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस के ब्राह्मणों ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। तब मैंने कहा था मनमोहन सिंह इज नॉट अ रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण एंड दोज हु नॉमिनेटेड। ब्राह्मणों ने उनको नॉमिनेट किया तो जो नॉमिनेट करते हैं उनकी सत्ता होती है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है उनकी सत्ता नहीं होती है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो प्रणब मुखर्जी को कैबिनेट मीटिंग में सर बोलते थे। 67 के अंदर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की जो कमेटी थी उसमें 63 कमेटी का चेयरमैन, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमेटी के चेयरमैन अकेले प्रणब मुखर्जी थे और सारे राजनीतिक फैसले प्रणब मुखर्जी लेते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस के ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। नरेंद्र मोदी को नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। जब ये प्रधानमंत्री बना तो उसने पहला फैसला किया, प्रचार वाले बताते हैं, मीडिया वाले बताते हैं कि ये पिछड़े वर्ग का है। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते पिछड़े वर्ग का है, तो ये पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बनाया गया। उसने पहला फैसला किया पिछड़े वर्ग के लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री, उसने पिछड़े वर्ग के विरोध में पहला फैसला किया। दूसरा फैसला 314 बच्चे पिछड़े वर्ग के आईएएस आईपीएस आईआरएस की ऑल इंडिया परीक्षा मेरिट में पास किया। 2 साल का लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग मसूरी में लिया और ट्रेनिंग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 314 बच्चे जो पिछड़े वर्ग के थे उनको पोस्टिंग देने का समय आया। नरेंद्र मोदी ने फाइल पूरी की पूरी रद्द कर दी, एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को पोस्टिंग नहीं दिया। पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के ही विरोध में फैसले कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने तीसरा बड़ा फैसला किया कि पिछड़ा वर्ग कमीशन रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया। और अब कहता है कि नहीं हमने उसको संवैधानिक दर्जा दिया। अरे भाई, शेड्यूल कास्ट का कमीशन संवैधानिक दर्जा पहले से है, उसके कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है। शेड्यूल ट्राइब का कमीशन है, वो भी संवैधानिक दर्जा है, उसको भी दिया हुआ, उसको भी कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा है। बैकवर्ड क्लास का कमीशन बना दिया तुमने संवैधानिक दर्जा का, जब वो लोग प्रधानमंत्री को नॉमिनेट कर सकते हैं तो बैकवर्ड क्लास कमीशन का चेयरमैन नॉमिनेट नहीं कर सकते। अगर वो नॉमिनेट कर दिया तो हाजी हाजी करता रहेगा, फैसला क्या करेगा, ये भी उनके विरोध में। अभी लगभग 4.5 साल का समय हो गया, नरेंद्र मोदी ने एक नए पैसे का बजट पिछड़े वर्ग के विकास के लिए दिया, एक नया पैसा नहीं दिया। और नरेंद्र मोदी इतना भाषण करता है, घंटों घंटों भाषण करता है, विकास 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 विकास, अला इतना विकास पर बोलता है, इतना विकास पर बोलता है। और 15 अगस्त को 1.5 घंटा बोला, पहले घंटों बोलता था, अब 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से 1.5 घंटा भाषण दिया।
यानी भाषण में विकास हो गया, साला जमीन पर कोई विकास दिखाई देता नहीं। उसके भाषण में विकास हो गया, घंटे का डेढ़ घंटा हो गया, मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास करने के लिए नया पैसा नहीं दिया। रे भाई, बगैर पैसे से विकास कैसे होगा? गले में स्ट्रीट लाइट लगाना है, अगर पैसा नहीं है तो स्ट्रीट लाइट नहीं लगता है, विकास कैसे होगा? एक नया पैसा नहीं दिया। अभी हम लोगों ने सारे देश भर में जब यह बताना शुरू कर दिया तो नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर फैसला करना पड़ा कि 2021 में हम ओबीसी की 52% लोगों की गिनती करेंगे। क्या कहा? 2021 में करेंगे। अरे मगर 2019 में तुम दोबारा प्रधानमंत्री बनोगे तब करोगे ना, 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनोगे, बनने के बाद फिर तुम 21 में करोगे, नहीं बनोगे तो हो गया मामला धरा का धरा रह गया। केसीआर तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, उसने तेलंगाना स्टेट में 24 घंटे में गिनती करवा दी, सारे स्टेट की मशीनरी को लगा दिया और 24 घंटे में गिनती करवा दी। अगर केसीआर तेलंगाना में 24 घंटे में अपने स्टेट की गिनती करवा सकता है तो नरेंद्र मोदी के अभी भी 6 महीने बचे हुए हैं, वो 8 दिन में तो गिनती सारे देश की करवा सकता है। अरे भाई, तू 21 में क्यों गिनती कर रहा है? बाद में कर ले, पावर तो तेरे पास है ही है। इसके लिए कोई पंडित जी के पास जाकर मुहूर्त निकालने की थोड़ी जरूरत है कि 21 को ही करना होगा। तू चाहे तो कोई भी अच्छा काम करो, मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम अगर करोगे तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, मुहूर्त निकालने की क्या जरूरत है? अरे मुहूर्त निकालने से तो पंडित जी का जेब भर जाएगा, इससे लोगों का क्या भला होगा? लोगों का कुछ नहीं होगा। इसलिए ये सारा खेल जो है, एक बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया, बैकवर्ड क्लास के ही विरोध में फैसले कर रहा, बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री बैकवर्ड के ही विरोध में फैसले कर रहा है। मैं ये बात समझाना चाहता हूं आप लोगों, ये बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री है तो क्या उसको ये समझ में नहीं आता? तो इसके लिए उदाहरण देना चाहता हूं, एक गधे से गधा आदमी ढूंढ लो पंजाब में। अब आप पंजाब में गधे को गधा नहीं कहते, आप पंजाब में खोता कहते हैं, है? खोता ही कहते ना, खोते से खोता आदमी ढूंढ लो और उसके पास कुल्हाड़ी दे दो और बोलना ये बाया पैर, तू एक कुल्हाड़ी ले ले और अपने हाथ से अपना पैर काट ले, तो जो आदमी खोता आदमी है वो क्या कहता है? खोता जरूर हूं, इतना खोता नहीं, गधा जरूर हूं, इतना गधा नहीं, मूर्ख हूं, इतना मूर्ख नहीं हूं। जो चीज मूर्ख को, गधे को और खते को, खोते को समझ में आती, वो चीज नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आती है, ऐसा कैसे कहा जा सकता? जो खोते को समझ में आती है नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आती, ये तो नहीं कहा जा सकता, उसको भी समझ में आती है। ये समझ में आती है तो अपने ही लोगों के विरोध में फैसले कैसे कर रहा है? समझ में आता है तो फिर अपने ही लोगों के विरोध में फैसले नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि सत्ता उसके नियंत्रण में नहीं है, सत्ता किसी और के नियंत्रण में है। वो फैसले कर रहे हैं, वो ब्राह्मण फैसले कर रहे हैं और प्रचार नरेंद्र मोदी के नाम का हो रहा है, ये समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। मनमोहन सिंह को कांग्रेस के ब्राह्मणों ने प्रधानमंत्री बनाया था तो वो बोलते ही नहीं थे। जब मैं फ्लाइट में ट्रैवलिंग करता हूं तो उसमें संदेश देते हो लोग कि अभी फ्लाइट जो है शुरू होने वाली है, तो आप ऐसा करो कि फ्लाइट मोड़ पर अपना मोबाइल कर लो, फ्लाइट मोड़ पर रखो। तो एक मीटिंग में एक आदमी संचालन कर रहा था तो मोबाइल का आवाज बज गया, तो उसने कहा कि आप अपना मोबाइल मनमोहन सिंह मोड़ पर लगा दो।
लोगों को समझ भी नहीं आया मनमोहन सिंह मोड़ क्या होता है भाई। तो किसी ने पूछा भाई मनमोहन सिंह मोड़ क्या है, कहा कि मनमोहन सिंह जी भी बोलते नहीं थे इसलिए आवाज नहीं होता था, इसलिए आप अपने मोबाइल को चुप कर लो, बंद कर लो, उसको हमने नाम दिया मनमोहन सिंह मोड़। अब लोगों की प्रतिभा को क्या किया जाए, मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं थे और नरेंद्र मोदी ज्यादा बोलते, वो बोलते ही नहीं थे वो ज्यादा बोलते, वो ना बोलने से मामला खराब कर दिया, ये ज्यादा बोलने से जुमले वाला प्रधानमंत्री हो गया, ज्यादा जुमले फेंकता है। सोशल मीडिया में अगर आप डालो फेकू शब्द डालो तो नरेंद्र मोदी का नाम आ जाता है, अगर अगर आप गूगल में फेकू शब्द डालो फेकू तो नरेंद्र मोदी का चित्र आ जाता है और उसका फोटो आ जाता है और उसका नाम आ जाता है फेकू। तो इस तरह से जैसे पप्पू डालो तो राहुल गांधी का आता है, फेकू डालो तो नरेंद्र मोदी का आता है। तो ये जो लोग हैं ये नॉमिनेटेड लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। अब पंजाब के लोगों को उदाहरण देता हूं, क्योंकि आपको ऑल इंडिया का उदाहरण शायद पल्ला नहीं पड़ेगा, आपको पंजाब का उदाहरण देता हूं। जस्टिस रंजीत सिंह जी ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है, उन्होंने बरगाड़ी के संदर्भ में रिपोर्ट दिया, गुरु ग्रंथ साहब के बेदबी के संबंध में रिपोर्ट दिया, किसने गोली मारी, मारने वाले कौन थे, आदेश देने वाले कौन थे, गवाह कौन थे, सब कुछ सारा का सारा रंजीत कमीशन के रिपोर्ट में लिख दिया। हाई कोर्ट के जज ने लिखा कैप्टन साहब को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सारा सबूत के साथ दे दिया और हाई कोर्ट के जज ने दे दिया, तो कैप्टन साहब को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। कैप्टन साहब महान आदमी है, कैप्टन साहब ने जज के इंक्वायरी की इंक्वायरी करने के लिए पुलिस की कमेटी बिठा दी। तो सारा हैरान करने वाली बात है, जज की इंक्वायरी पुलिस वाले करेंगे, ऐसा तो फैसला दुनिया में शायद एक पहला मुख्यमंत्री है या पहला पावर वाला आदमी है जो जज की इंक्वायरी की इंक्वायरी पुलिस वाले करेंगे। समझ रहे सरदार जी, जज ने हाईकोर्ट के जज ने इंक्वायरी की, सारे सबूत का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देकर के रिपोर्ट दिया, कैप्टन साहब ने कार्रवाई करनी थी, कार्रवाई के बजाय उन्होंने उसके ऊपर पुलिस वालों की एसआईटी बिठा दी कि तुम जज की इंक्वायरी करके हमें बताओ। अब क्या बताने वाला है वो, या तो हम खोते लोग हैं या तो कैप्टन साहब खोता है, या तो हमें समझ में नहीं आ रहा है या तो कैप्टन साहब को समझ में नहीं आ रहा है। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं कि कैप्टन साहब मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी सिखों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, तो ये ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड सीएम है, कैप्टन साहब ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड सीएम है। तो कैप्टन साहब ने सोचा अगर इतना बड़ा फैसला मैं करूंगा तो दो चार महीने में कांग्रेस पार्टी मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, इसकी वजह से कैप्टन साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब है कैप्टन साहब भी नॉमिनेटेड सीएम है। ब्राह्मण लोग हमारे लोगों को पावर के नाम पर पोजीशन देते हैं और हमारे लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमारे पास पावर है, हमारे लोगों को पोजीशन और पावर का फर्क समझ में नहीं आता कि पोजीशन क्या होता है और पावर क्या होता है। वो जी आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाए इसके बाद। पोजीशन का मतलब क्या है कि एक एमएलए को कैबिनेट मिनिस्टर बना दो, उसको रहने के लिए बड़ी कोठी दे दो, खानसामा खाना पकाने के लिए दे दो, एक बड़ी गाड़ी विदेशी दे दो, ड्राइवर दे दो नमस्कार करने के लिए और गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए और सैल्यूट मारने के लिए कुछ स्टाफ दे दो, तो हमारे आदमी को लगता है साला मेरे पास बहुत बड़ा पावर आ गया। ये पावर नहीं है, ये पोजीशन है, इसको बोलते हैं पोजीशन, ये पावर नहीं है। पावर किसको बोलते हैं, अपने लोगों के हक के लिए फैसला लेने की सत्ता, उसको बोलते हैं पावर। अपने लोगों के हक में
फैसला लेने का अधिकार अगर है तो आपके पास पावर है, बाकी सारा पोजीशन है। तो हमारे लोगों को कांग्रेस वाले पोजीशन देते हैं, पावर नहीं देते हैं। पावर तो अपने हाथ में रखते हैं ताकि कोई फैसला उनके विरोध में कोई ना ले सके। ये सारी व्यवस्था पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस पार्टी जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। 99 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ 2004 में कांग्रेस पार्टी चुनकर आई, 2009 में फिर कांग्रेस चुनकर आई, 2014 में बीजेपी आई। इसका मतलब है बीजेपी जाती है कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। एक ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो दूसरे ब्राह्मण की पार्टी आती है, दूसरे ब्राह्मण की पार्टी जाती है तो पहले ब्राह्मण की पार्टी आती है। ब्राह्मण का राज भारत पर स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया। संविधान कहता है जनतंत्र, संविधान कहता है लोकतंत्र है। चुनाव से राजा चुना जाएगा, अरे चुनाव से राजा चुना जाएगा तो 3.5% वाला ब्राह्मण राजा कैसे हो सकता है? मैंने 15% मुसलमानों को पूछा, अरे भाई 3.5% वालों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, तो मुसलमानों की संख्या देश में 15% है, तुम्हारी कितनी नेशनल पार्टी है? कहा कि हमारी एक भी नहीं है। मुसलमानों की 15% जनसंख्या है, उसकी एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। ब्राह्मणों की 3.5% संख्या है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत ये लिखित कानून है, ये 6% वोट 3 राज्यों में जिस पार्टी को पड़ेंगे वो पार्टी नेशनल लेवल की मानी जाएगी। मगर ब्राह्मणों की जो संख्या ही 3.5% है, एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं हो सकती। मगर 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां उन्होंने बनाई, एक कानून और संविधान के विरोध में जाकर बनाई। 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भ्रष्टाचार करके चुनाव जीता। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बॉम्बे में बाबा साहब अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट खड़ा करने के लिए नेहरू को नहीं मिल रहा था। एक काजोलकर नाम का नाद में मिला तो उसने कहा मेरे पास तो लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो नेहरू जी ने उसको कहा चिंता मत करो, पैसा दिल्ली से भेजता हूं। नेहरू जी ने उसको 25,000 रुपया भेजा चुनाव लड़ने के लिए। तो जब उसको 25,000 रुपया मिला तो उसने कहा चुनाव आयोग वाले कहते 2,000 खर्चा कर सकते हो, बाकी 23,000 का क्या करूं? काजोलकर ने नेहरू को पूछा कि आपने तो 25,000 रुपया चुनाव लड़ने के लिए भेजा, मगर चुनाव आयोग कहता है 2,000 खर्चा करना होगा, तो बाकी 23,000 का क्या करूं? आकर बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया गया। हरवाने के बाद वो आदमी चुनकर आया, चुनकर आने के बाद वो आदमी बाबा साहब अंबेडकर के संगठन का पुराना कार्यकर्ता था। वो बाबा साहब अंबेडकर का आशीर्वाद लेने के लिए गया दादर में और कहा कि मैं आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, मगर नेहरू जी ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 25,000 रुपया भेजा। अब बाबा साहब अंबेडकर तो बैरिस्टर थे, वो कानून के ज्ञाता थे, उनको मालूम था 25,000 रुपये भेजने का मतलब है चुनाव में भ्रष्टाचार करना। उनके पास चांदेव खैर बड़े नाम का हाईकोर्ट का एक लॉयर बैठा था, तो उसने फौरी तौर पर उसकी बात को लिख के रखा, उनके लाइफ एंड मिशन नाम के किताब में लिखा और हमने पढ़ा और रिकॉर्ड है अभी भी कि जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को भ्रष्टाचार से चुनाव हरवाने के लिए 25,000 रुपया भेजा। वो 25,000 रुपए की कीमत आज के तारीख में कम से कम 2.5 करोड़ रुपया है। उस समय के रुपए की कीमत आज के तारीख में 2.5 करोड़ रुपया है। तो बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भ्रष्टाचार का सहारा लिया। ये हमारे पास एक चीज का एविडेंस है, इसके आधार पर बता रहा हूं। तो जवाहरलाल नेहरू ने सारे देश भर में चुनाव ईमानदारी से जीता होगा ये नहीं कहा जा सकता। अब काशीराम जी ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई तो राम खोबरागड़े नाम के एक ऑफिसर थे,
उनको उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर में एक महीना जाके स्टडी करने के लिए भेजा और कहा कि जाओ कि चुनाव में लोगों ने कंप्लेन की उसका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है, उसका अभ्यास करो। उसने एक महीना अभ्यास करने के बाद रिपोर्ट दिया काशीराम जी को और कहा कि ये तो हर चुनाव में दुनिया भर का भ्रष्टाचार होता है। उसने कुछ बातें ऐसी बताई कि नेहरू के कैबिनेट के मिनिस्टर चुनाव हार रहे थे तो जिलाधिकारी ने नेहरू को टेलीफोन किया और कहा कि आप तो कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव हार गए, क्या करें। नेहरू जी ने कहा जीता हुआ घोषित कर दो, हार गया उसको जीता हुआ घोषित कर दो तो जिलाधिकारी का फसाद हो जाएगा। जीता हुए को हारा हुआ और हारे हुए को जीता हुआ घोषित करेंगे तो मुझे फसाद हो जाएगा। नेहरू जी ने कहा चिंता मत करो, उसको बुलाओ कैबिन में और उसको आधार पर चाय पिलाओ और कहो संविधान की कॉपी दिखाओ, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको ये निर्णय सही नहीं लगता है तो आप हाईकोर्ट में केस दाखिल करो, 6 महीने में फैसला आ जाएगा। ऐसा केवल उसको बोलो तो वो तुमसे झगड़ा नहीं करेगा, वो जाएगा हाईकोर्ट में। तो जिलाधिकारी ने पूछा भी हाईकोर्ट में फिर तो विरोध में फैसला आएगा, मेरे लिए तो नौकरी का खतरा पैदा होगा। तो नेहरू जी ने कहा जैसे तुम हमारी बात मान रहे हो, तुम जानते नहीं हो हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, उसको दिल्ली से टेलीफोन कर देते हैं। जैसे तुम इधर हमारे काम कर रहे हो वैसे चीफ जस्टिस भी उधर हमारे बैठे हुए लोग हैं, हम ही ने तो अपॉइंट किए हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस को हमने अपॉइंट किया, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को हमने अपॉइंट किया। राष्ट्रपति शपथ विधि करता है और राष्ट्रपति हमने बनाया हुआ है तो हमारा ही रिकमेंडेड आदमी तो हाईकोर्ट का जज होता है, काहे को चिंता कर रहे हो। केस कोर्ट में गई, 6 महीने में कोई फैसला नहीं आया। अगला चुनाव आया तो भी फैसला नहीं लगा। आज तक इंडिया में 6 महीने में चुनाव का कोई फैसला 6 महीने में नहीं आया और अगला चुनाव आता है तो जो कैंडिडेट है हारा हुआ जबरदस्ती से वो ये सोचता है अरे यार अब ये लड़ाई लड़े कि अगला चुनाव लड़े, तो वो अगले चुनाव की तरफ ध्यान देता है और वो लड़ाई पीछे छोड़ देता है। सारा भ्रष्टाचार का केस है, सारा भ्रष्टाचार का मामला है। एक दो उदाहरण दे रहा हूं आपको, अगर कोई आदमी ईमानदार है और चुनाव आयोग के दफ्तर में जाके स्टडी करे तो आप हैरान हो जाओगे इतनी सारी कंप्लेंट्स वहां है। टीएन सेशन के आने के बाद जब टीएन सेशन को यह मालूम हुआ कि कांग्रेस वाले हारे हुए मिनिस्टर को जीता हुआ घोषित करते हैं तो उन्होंने एक रूल बनाया। क्या रूल बनाया टीएन सेशन ने कि जो प्रोमिनेंट वीआईपी आदमी चुनाव लड़ रहा है उसका रिजल्ट मैं घोषित करूंगा, तुम नहीं, मैं घोषित करूंगा, फिर मैं देखता हूं कौन प्रधानमंत्री मेरे को टेलीफोन करता है। टीएन सेशन के बाद में इसमें चेंज आया तो उन लोगों ने अब नया रास्ता निकाला, ईवीएम मशीन से घोटाला करके चुनाव जीता गया। आपको मालूम नहीं है चुनाव ईवीएम मशीन के विरोध में मैंने इतने सारे एविडेंसेस सुप्रीम कोर्ट को दिए, सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस दायर किया ईवीएम मशीन के विरोध में और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया कि जो आप कह रहे हो सही है। चुनाव आयोग को आदेश दिया कि ईवीएम मशीन का घोटाला पकड़ने वाली जो मशीन है पेपर ट्रेल मशीन वो लगाना होगा 100% जगह। मेरे केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के अंदर जो घोटाला होता है उसको पेपर ट्रेल मशीन ही पकड़ती है, तो हर मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। साथियों ये सारी बातें मैं काल्पनिक बातें नहीं कहता। जब उत्तर प्रदेश में मैं जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा था तो उधर जब मैं प्रचार के लिए गया तो चुनाव आयोग ने मेरे भाषण को वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए चुनाव आयोग ने आदमी भेजा मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए। तो एक आदमी कार्यकर्ता स्टेज पर आया, कहने लगा कि चुनाव आयोग ने आपका भाषण टेप करने के लिए आदमी भेजा है, वो सामने वाले लाइन में बैठा हुआ आपका भाषण टेप कर रहा है।
मैंने कहा अभी चिंता मत करो, दो मिनट में उसको भगा दिया, चिंता मत। मैं जिस विषय पर भाषण कर रहा था बंद कर दिया और चुनाव आयोग के विरोध में भाषण करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी, मेरे पास तो सारे कहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैंने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए उसका सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जब मैंने चुनाव आयोग के विरोध में भाषण शुरू कर दिया तो चुनाव आयोग का आदमी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था उसने सोचा चुनाव आयोग ने तो साला वामन मेश्राम का वाचन रिकॉर्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए भेजा हुआ है। अगर वामन मेश्राम का वाचन चुनाव आयोग के विरोध वाला मैं रिकॉर्ड करता हूँ और दिखाता हूँ तो चुनाव आयोग पैसा नहीं देगा, मेरे निंदाना का पैसा नहीं मिलेगा। उसने इधर उधर देखा, अपने गले का गमछा निकाल कर मोबाइल जो वीडियो रिकॉर्ड था उसके ऊपर डाला और वो करके थैली में डाल के इधर उधर देख के चला गया। कार्यकर्ता स्टेज पर आया, कहने लगा वो तो चला गया। मैंने कहा मैं तो ऊपर से देख रहा हूं, वो तो चला गया। बात उत्तर प्रदेश के किसी चुनाव सभा में दोबारा मेरा रिकॉर्ड करने के लिए चुनाव आयोग ने दोबारा कोई आदमी नहीं भेजा। चुनाव आयोग से सारी राजनीतिक पार्टियां डरती है और चुनाव आयोग मुझे डरता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अभी भी है। जिन सवालों के चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिए वो डॉक्यूमेंट अभी भी मेरे पास है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर किया और जो सवाल चुनाव आयोग को पूछे, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया मगर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिए। ये जवाब नहीं दिए, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए मेरे झंझट में चुनाव आयोग नहीं पड़ता और मेरे पीछे नहीं लगा रहता। उनको मालूम है कि भाई कभी भी उसको आधार बनाकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, मैं एविडेंस के बगैर बात करने का आदि नहीं हूं, बगैर सबूत के कोई आदि बात करने का आदि नहीं हूं। और इसलिए मैं इसके आधार पर बोल रहा हूं कि सारा का सारा देश का जो चुनाव तंत्र है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहा होता है भारत में, हर जगह भ्रष्टाचार होता है मगर पहले नंबर का भ्रष्टाचार चुनाव में होता है। सारे देश भर में भ्रष्टाचार होता है मगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चुनाव में होता है, और इसलिए होता है कि 3.5% ब्राह्मण ईमानदारी से कभी भी चुनाव जीत नहीं सकते। भ्रष्टाचार किए बगैर चुनाव जीत ही नहीं सकते, इसके लिए मैं ये कह रहा हूं। तो इस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार के द्वारा भारत पर कब्जा कर लिया और लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया और सारा का सारा तंत्र उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तंत्र में जो लोकतंत्र है उसमें ब्राह्मणों ने लोक गायब कर दिया और केवल ब्राह्मणों ने अपना तंत्र बनाया। लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र, लोकतंत्र से लोक गायब कर दिया और केवल तंत्र बना दिया। वो तंत्र जिला जिला लेवल पर, तहसील तहसील लेवल पर, वो हमारे ऊपर सारे देश भर में वही लोग अन्याय करते। ये तंत्र उन लोगों ने बनाया, इसलिए साथियों इसको बदलना हो। अगर इसको आप नहीं बदलते हैं तो आपके बच्चों का फ्यूचर सही नहीं, इसको बदलना हो। बदलने के लिए क्या करना होगा साथियों ये जानना बहुत जरूरी। ब्राह्मण लोगों ने आजादी के आंदोलन में एक प्रचार किया था, वो प्रचार था अंग्रेजों का, बारे में कहा था कि अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो। बात सही थी, अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो, मगर अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में बांटा था, दो टुकड़े किए थे। ब्राह्मण अंग्रेजों से 2,500 साल पहले आए और उन्होंने 6,000 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़े में बांटा, ब्राह्मणों ने 6,000 जाति के टुकड़ों में बांटा। शेड्यूल कास्ट की 1700 जातियां है, 900 जातियां आदिवासियों की है, पिछले वर्ग की 3,743 जातियां है। सारा डॉक्यूमेंट्री विनोद बोल रहा हूं। 6,000 से ज्यादा जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, 6,000 से ज्यादा टुकड़े हमारे ब्राह्मणों ने किए और टुकड़े करने के आधार पर उन्होंने हमारी प्रतिकार शक्ति को खत्म किया और गुलामी थोप।
इसलिए अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जगाना होगा। पहले 6000 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए लोगों को जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा और जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति का निर्माण करने के बाद शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। ऐसा करना होगा तब ही जाकर परिवर्तन हो सकता है। ताकतवर और तगड़े लोगों के विरोध में कमजोर लोग परिवर्तन नहीं ला सकते। ताकतवर और तगड़े लोगों के विरोध में अगर परिवर्तन लाना चाहते हो तो परिवर्तन लाने के लिए कमजोर लोगों को, मजलूम लोगों को तगड़े बनाना जरूरी होगा। अगर आप कमजोर और मजलूम लोगों को तगड़े बनाने का काम करते हो, शक्ति बनाने का काम करते हो, उसके आधार पर आप परिवर्तन करने के लिए लायक हो सकते हो। इसके लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई। ये जो परिवर्तन यात्रा है इसके लिए निकाली गई है। इस काम को करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशय विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। साथियों मैडम के पास है लगता है।